चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट की उम्मीदवार, गठबंधन की उम्मीदवार तबस्सुम हसन जी के साथ हैं। तबस्सुम हसन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया बहुत। तबस्सुम जी, चुनाव के लिए अब कुछ दो ही दिन बाकी हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है इस चुनाव से? चुनाव बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह जो पीछे उपचुनाव में कामयाबी मिलती उससे बेहतर है। उससे बेहतर आपको लग रहा है। उपचुनाव की आपने बात करी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान सांसद जीत के नहीं गया था, और उस उपचुनाव में आप पहले मुसलमान सांसद बने उत्तर प्रदेश से। और उसी के साथ साथ आप जब तीन तलाक और ऐसे मुद्दों पर और कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करने लग गई थी सरकार मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, और वहाँ पर भाजपा को हराते हुए एक मुस्लिम महिला उस वक्त सत्ता में आई और पहली मुसलमान सांसद बनी इस टर्न की लोकसभा से, आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश गया था? जी, गया था संदेश, और उस संदेश जाने का उन्होंने विरोध भी बहुत किया, मेरा हर जगह विरोध हुआ जब से मैं बनी हूँ। मेरा जो सांसद की जो निधि होती है, जो काम करने का पैसा होता है, वो तक रोका गया, और जहाँ भी मतलब मेरी कोई बात रखने की बात आई तो उसको हमेशा रोका गया, डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें जी, पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था 2014 में, तब उससे जस्ट पहले काफ़ी कुछ झेला था इस ज़िले ने, फसादात हुए थे और कहीं ना कहीं पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया था यहाँ पर भी और मुजफ्फरनगर में भी, बल्कि बागपत तक भी इसका असर हुआ। मैं तो समझती हूँ पूरे देश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं उसका गया था, और उसी के चलते यूपी में तो खासतौर पर था ही है, उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से था उसका पूरा असर, और उसी के चलते जो है 80 में से 73 सीटें जीतने का काम हुआ था बीजेपी का। तो आपको लग रहा है उसमें कुछ बदलाव आया इस बार, क्या वो खाई कुछ कम हुई है? बिल्कुल खाई कम हुई है। मैं तो मानती हूँ, बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जैन जी के लड़ने की बात थी यहाँ, वो उपचुनाव जैन जी के लड़ने की बात थी, लेकिन फिर सबने बैठ के बात की और एक तरतीब बनाई कि नहीं, अगर मुस्लिम कोई आएगा तो उससे मरहम ज़्यादा लगेगा और जो ये खाई है इसकी भरपाई ज़्यादा जल्दी होगी। जबकि वो उपचुनाव में भी देखा गया था कि जाट समाज से कई लोगों ने आपको वोट किया था। नहीं, कई लोगों ने नहीं, भरपूर उनका साथ रहा, पूर्ण साथ रहा, पूर्ण साथ रहा, उनका सिंबल था और इसीलिए ये एक वो बनाया गया थी तरतीब। देखिए, इस चुनाव से भाईचारा बहुत कायम हुआ जी जी, चाहे जहाँ हो वहाँ भाईचारा बना है, और भाईचारा उसके चलते ही अब अजीत सिंह जी को भरपूर वोट मुजफ्फरनगर में मिलना जा रहा मुसलमान का, और बागपत में जैन जी को, तो ये सारी जो है ना, ये इसी ने रिमूव किया है इसी चुनाव में। लेकिन ये आपको क्या ख़तरा लगता है कि बार बार इस इलाके को, खासकर की वेस्ट यूपी को, पश्चिम यूपी को बार बार टारगेट किया जा रहा है एक सांप्रदायिक एजेंडा के तहत, और आप इसको काउंटर करने के लिए, आप अभी भी आप देखेंगे अगर जो भाजपा की यहाँ रैलियाँ हुई तो मोदी जी ने फिर से दंगे की बात करी 2013 के, फिर से पलायन की बात करी, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है पश्चिम यूपी को? मुसलमान को कहा जाता था कि एकदम गुस्सा आ जाता है मुस्लिम को, ये अब की बार आपने देखा होगा पूरा इतना टाइम गुजर गया 2013 से अब तक मुस्लिम बिल्कुल शांत, सिर्फ अपने मुद्दों की बात करता है, अपने अपनी बात करता है, झगड़ने की बात किसी से नहीं करता, वो इतना समझदारी से काम ले रहा है। जहाँ मुद्दों की जहाँ तक बात है, तो वसुम जी, तो कैराने में भी आज के दौर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैराने से आप मुझसे बेहतर ही जानती हैं, भर भर के लोग सवेरे जीपों में बढ़ बढ़ के पानीपत जा रहे हैं रोजगार के लिए। शिक्षा का बहुत अभाव है इधर, खासकर की मुस्लिम गुजर महिलाओं में तो बहुत अभाव है शिक्षा का।
इन मुद्दों को लेकर और खास करके एक महिला खुद होते हुए क्या आप करना चाह रही हैं? देखिए, मैंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। पहले 2005 में जब हम लोग सरकार में थे, यूपी गवर्नमेंट से हमें जो है थोड़ी सहायता मिलती थी, तो हम पर अपना जो है कोई भी फाइल कुछ भी परसू करने में वो रहते थे। तो उसका जो है ये था कि हमने शिक्षा में कस्तूरबा गांधी जो है लड़कियों के लिए मैं लेके आई थी, वो पंजीत में चल रहा है और K2 में बनाया है इंटर कॉलेज, और यहाँ भूरा में मैंने बनवाया है, मेरे टाइम के हैं ये सब। और सांसद जी थे मंजूर, उन्होंने कराया था, कंप्लीट मैंने कराया है, मेरे हस्बैंड जी थे वहीं। एक और कॉलेज खुरगान में है, खुरगान भूरा बराबर जैनपुर में इंटर कॉलेज, किशोरपुर में जो है IIT। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी पहुँच होती है वहीं तक एक सांसद की जितना सामर्थ्य होती है उतना ही करता है, जितनी एक विधायक की होती है वो उतना ही कर पाता है। लेकिन अभी तक कोई पावर अपने कलम की नहीं मिली, जैसे गृह मंत्री पद कोई मिला हो, सांसद जी को भी नहीं मिला, वो भी इस बात से बहुत परेशान थे कि भाई कोई कहीं मुझे अपने कलम की ताकत मिले तो मैं अपने लोगों के लिए बहुत करूँ, तो वो अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन अब जितना भी है उसमें भी आगे और बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है बहुत जगह पे हमारे लाइट के जो कोई मतलब नहीं था, ना कोई बिजली घर के, तो बहुत सारे बिजली घर मैंने बनवाए, सांसद जी ने बनवाए, तो सड़कें तो बहुत मतलब एरिया बहुत ही अंदर जाके हैं, रूरल एरिया है तो उसमें बहुत ही डीपली लोग रहते हैं, तो उनका कहीं कनेक्टिविटी शहरों से कस्बों से नहीं थी, तो वो कराने की कोशिश की। तौसिफ जी, आखिरी सवाल, मुल्क की फिज़ा बदली है पिछले 5 सालों में, कभी गौ रक्षा के नाम पर तो कभी किसी चीज़ के नाम पर लोगों को मारा गया है, काटा गया है, बहुत हिंसा देखी है इस मुल्क ने, और योगी जी के आने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक अलग फिज़ा देखने को मिली, मुठभेड़ के नाम पर बहुत लोग या तो मारे गए हैं या गोलियां लगी हैं उनको, ज़्यादातर मुस्लिम समाज से ही हैं, बहुत सारे केसेस पे लोग उठाए जा रहे हैं, कभी गौ हत्या के नाम पर जेल भेजा जा रहा है, कभी किसी चीज़ पर जेल भेजा जा रहा है। आप यहाँ की सांसद होने के नाते क्या इस पर कुछ हस्तक्षेप करने का आपका क्या कोई हस्तक्षेप करने का आप इस पर किसी तरीके से हस्तक्षेप करना चाहेंगी और कर रहे हैं? ठीक है, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए तो हम हमेशा, चाहे हमारी सरकार हो या नहीं हो, खड़े, मैं और मेरा बेटा इनकाउंटरों के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि उनमें जिन लोगों के इनकाउंटर हुए हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों के इनकाउंटर हुए हैं, और जो वैसे लोग हैं उनके लिए तो हम भी नहीं बोलते, जो लोगों को परेशान करते हैं या बदमाश टाइप हैं तो लोगों का कोई मतलब नहीं। चलिए वो अलग है, लेकिन जिस तरह से मुठभेड़े हुई हैं तो ये सवाल सामने आया कि उनमें से सब लोग गिल्टी नहीं थे, मतलब उनके मुँह में बंदूक डाल जी ताकि पता ना चले कि कैसे मरा है, बोलिए उसके अंदर डाली गई। तबस्सुम जी, चलचित्र अभियान के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही व्यस्त आपने एक शेड्यूल के बीच में हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलचित्र अभियान से हमारे सारे दर्शक जुड़े रहें, चुनाव 2019 की खबरें लगातार आप तक आती रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप घूम रहे, क्या लग रहा है? ये मैं कैमरे पर नहीं बोलूँगा।